जिला अधिवक्ता एसोसिएशन की बैठक संगठन के अध्यक्ष अमिताभ त्रिपाठी अटल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित अधिवक्ता सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिला मुख्यालयों पर महीने में के दो सोमवार को कोर्ट में बैठने वाले एसडीएम को हटाए जाने की कड़ी निंदा की गई तथा आदेश को वापस लेने के लिए डीएम से मांग की गई। इस संबंध में एसोसिएशन के अध्यक्ष अमिताभ त्रिपाठी ने बताया कि वादकारी को सुलभ व सरल न्याय दिलाने के लिए महीने के दो सोमवार को सभी एसडीएम जिला मुख्यालय के कोर्ट में बैठते थे और मुकदमों का निस्तारण करते थे, लेकिन अब ये व्यवस्था खत्म कर दी गई है जिससे वादकारियों को दिक्कत उठानी पड़ सकती है। इसलिए बैठक में निर्णय लिया गया कि 1 जुलाई से प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी बातों को जिलाधिकारी तक पहुँचाने का काम करेंगे और अगर सहमति नहीं बनती है तो सभी अधिवक्ता न्यायिक कार्यों से विरत रहते हुए चरणबद्ध आंदोलन करने को बाध्य होंगे। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष अमिताभ त्रिपाठी अटल ने कहा, कार्य करके कि जो है आपको मीडिया खुद पूछे, पूरे देश में आपका संगठन सबसे तगड़ा है, आप कहीं जाएंगे तो जहाँ पे भी आपके बड़े अधिकारी बैठे आइए सही है वहाँ पे गांधी जी के प्रतिमा भी जाइए बताइए चलिए आप अपने लाना चाहते हैं। आप लोग सभी लोग एक सुर में एक साथ होकर रोड पे निकल रहे हैं। आगे ये बताइए आपने जो कारनामा लगाया है क्या उस पर स्टैपल करने में लागू नहीं होता है? कोर्ट ने जो कोई आपको पत्र लिया बाहर को भेज दिया, आप जो कहेंगे वो जूनियर आपके साथ रहेगा और हमारे अध्यक्ष जी तो खैर जन्म करते आप कहिए हम लोग आप साथ में चलिए बातचीत आप लोग करिए आने तो फिर उसके बाद तो फिर लास्ट फाइल करना है क्या है देखिए, यह गोरखपुर जिला मुख्यालय है। सभी तहसीलों के उपजिलाधिकारी हर सोमवार महीने में दो सोमवार को आकर के यहाँ बैठते थे और न्यायिक कार्य करते थे, मुकदमे देखते थे। स्थिति यह है कि जिलाधिकारी महोदय ने उसको बंद कर दिया, उनको मुख्यालय पर आना न्यायिक कार्य करना यह सब बंद कर दिया। तो अब आप बताइए, इतनी बड़ी अन्याय जिलाधिकारी कर रहे हैं, कोई भी वकील किसी को बुला करके मौकिल को यहाँ नहीं लाता है कि आओ चलो हम तुम्हारा मुकदमा देखेंगे। मौकिल बादकारी खुद आता है, अपना वकील चुनता है, अपना मुकदमा दाखिल करता है, लड़ता है, किसी को ज़बरदस्ती नहीं बुलाया जाता है। जो लोग मुख्यालय पर मुकदमा लड़ना चाहते हैं उनका यह अधिकार जिलाधिकारी ने ख़त्म कर दिया। उनकी उनके भावना से जो न्याय मिल सकती थी उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। इसी के खिलाफ जिला अधिवक्ता एसोसिएशन आंदोलनरत है। क्या निर्णय लिए हैं? निर्णय यह है कि सोमवार को यानी 1 जुलाई को हम जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिलाधिकारी के इस रवैये के ख़िलाफ़। हम बताएंगे सबको कि क्यों उनका आना आवश्यक है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। हम ज्ञापन देंगे कमिश्नर महोदय को, हम ज्ञापन भेजेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और कुछ सोम का है, उसके बाद मंगलवार को हम लोग जो है तहसील दिवस पर प्रयास करेंगे प्रार्थना पत्र पढ़ें कि नहीं जी उप जिलाधिकारी लोगों को मुख्यालय लाया जाए पहले की तरह से, और बुधवार को हम फिर जो है प्रदर्शन करेंगे और ज्ञापन देंगे। इस बीच हम लोगों का प्रयास होगा कि वार्ता से मामला हल हो तो अभी वार्ता का भी चैनल चलता रहेगा। कमिश्नर को ज्ञापन दिया था, बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई और कमिश्नर महोदय ने हमें आश्वासन दिया कि हम जिलाधिकारी से बात करके मामले को हल कराने का प्रयास करेंगे, लेकिन क्या हुआ अभी तक हमको कोई सूचना नहीं है। इस दौरान हम न्यायिक कार्यों से विरत रह करके अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखेंगे।